शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब इस घर में सब कुछ मेरे नजरिए से होगा, तो आज से इस घर की बागडोर मेरे हाथों में होगी। इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी। अब उसकी चलेगी जिसके लिए सारे ग्रह नक्षत्रों ने उल्टी चाल चली है। आ रहे हैं हम अपने तीन सवालों का जवाब लेने। कौन है वो जो गौरव के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर रहा है? जब तक हमें हमारे सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे, ना हम चैन से बैठेंगे और ना किसी को बैठने देंगे। चिल्ला क्यों रही हो तुम? आत्मा, तेरी आत्मा आ गई है। वो पहले आपको मारेगी, फिर मुझे मार देगी। दीदी, मुझे अभी नहीं मरना। प्लीज प्लीज कुछ करो दीदी, प्लीज कुछ करो। मार देगी हम लोग को, मार देगी। जस्ट शट अप। वो औरत मर चुकी है। द चैप्टर इज क्लोज्ड। तो चुप, बिल्कुल चुप। दीदी दीदी, सूत्रों से पता चला है उर्वशी चौधरी के गोडाउन में आग लगने की खबरें आई है। लोगों का कहना है कि वो फ्रॉड है, लोगों का डिजाइन है, चुराती है। यहाँ तक कि लोगों ने उनका स्टोर बंद करवाने का नारा तक लगवाया। श्रिया, श्रिया, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। क्या हुआ? गोडाउन में आग लग गई, कुछ नहीं बचा। हम लोग सड़क पे आ गए। क्या? आप ऐसे कैसे? क्या हुआ? पार्टी ने आपकी टिकट वापस ले ली। कह रहे हैं कि उन्हें उनका उम्मीदवार व्हीलचेयर वाला नहीं चाहिए। इलेक्शन के लिए जितना पैसा आपने उठाया था बाजार से, वो सारा वापस करना पड़ेगा, वरना घर नीलाम हो जाएगा। वही आवाज है, वो आत्मा। आत्मा? कौन सी आत्मा? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम ये आवाज छोड़ो। तुम जाओ जाओ, सबको बताओ क्या हुआ। सब जाओ, ये वही आत्मा ये सबको मार डालेगी, मुझे भी मार डालेगी। ये सब कांड वही कर रहे हैं। जय हनुमान के अनुकूल सागर, जय कपी सति हो लोक को जागर। जय हनुमान के अनुकूल सागर, जय कपी सति हो लोक को जागर। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है हमारी इस घर को। कहना इस घर से क्या गई? घर की लक्ष्मी चली गई। श्राप देके गई है वो हमें। दुकानें चली गई, आपकी टिकट चली गई, सुख चैन सब कुछ छिन गया। और ये सब आपकी नाजायज बेटी के वजह से हो रहा है। ऐसा आज कहा? नाम मत लेना अपने मुंह से गहना का। गहना के बारे में कुछ भी मत बोलिए आप। लो, गहना के एक भक्त को समझाया तो दूसरे को बुरा लग गया। यानी हम आप लोगों से बात ही क्यों करते हैं? लगता है गौरव गहना को पूरी तरह भूला नहीं है। कोई बात नहीं, इस बार कॉफी में मैं कुछ और मिलाऊंगी।
ये सब क्या है? रानी का श्रृंगार। गहना से गायत्री बन रही हो तो उसका आचरण भी तो वैसा होना चाहिए, और वो आचरण तुम्हें देंगी तुम्हारी ये गुरु। आओ मेरे साथ। श्रृंगार तो हो गया, बात है व्यवहार की। गहना, इस युद्ध में यह है तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र। अगर जुबान का कहा ना माने तो इसका एक वार काफी है। ये लो। इस घर में मालकिन बनकर अपनी हुकूमत चलानी तो हंटर तो साथ में चाहिए। आई थिंक आई एम रेडी। नीलामी कल सुबह होगी। नीलामी शुरू करते हैं, आइए। जैसा कि आप सब जानते हैं, बोली बेस प्राइस से शुरू होगी। माता रानी, मेरे परिवार से उनका घर मत छीनो। हम तो सड़क पे आ गए, उस हाथों है ना कटोरा आना बाकी है। तो शुरू करते। 30 करोड़ 1, 30 करोड़ 2, 35 करोड़, 35 करोड़ 1, 35 करोड़ 2, 40 करोड़, 40 करोड़ 1, 50 करोड़, 50 करोड़ 1, 50 करोड़ 2, 60 करोड़। के बाद भी कोई बोली लगाना चाहता है तो उसकी बोली से हमारे 10 करोड़ ऊपर। कोई नहीं है, लगता है इस दुनिया में अमीर लोग नहीं रहे, या असली घर के कदरदान अब ये घर हमारा हुआ। साठ करोड़ एक, 60 करोड़ 2, 60 करोड़ 3, 30 करोड़। थैंक यू। अब आप लोग जा सकते हैं।
देखिए आप जो भी। तुम शायद पूछना चाहती हो कि कीमत से ज्यादा बोली क्यों लगाई हमने। वो क्या है कि हमारी बेटी का दिल आ गया इस घर पर, तो खिलौने की तरह हमने इसे भी खरीद लिया। पर आप लोग चाहे तो अब भी इस घर में रह सकते हैं। अब जितना बड़ा घर उतना ज्यादा काम, तो नौकरों की जरूरत तो पड़ेगी ही। अब जिसे यहाँ रहना है वो नौकर बनकर रह सकता है। शुक्र है हाँ तुम्हें कटोरा आने से बच गया। कटोरा आने से बच जरूर गया, लेकिन उसके बदले झाड़ू हाथ में आ गए। अरे अरे मजाक कर रहे हैं। एक्चुअली हम और हमारी बेटी कनाडा से आए हैं इंडिया में बिजनेस करने। हम तो वापस चले जाएंगे, पर हमारी बेटी इस घर में रहेगी, तो आप लोग भी रहिए, हमारी बेटी की बिजनेस में उसकी मदद हो जाएगी। अरे हमने अपनी बेटी की इतनी सारी बातें कर ली, पर अभी तक आप लोगों से मिलवाया नहीं। रुकिए, गायत्री। ये तो हमारी गहना है। गहना हाँ गहना ही तो है। ये है हमारी बेटी गहना। अब बेटियां तो हर घर का गहना होती है, ये हमारी बेटी हमारे घर का गहना गायत्री। ये गायत्री नहीं, ये हमारी बेटी गहना है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये हमारी बेटी गायत्री है। हम बचपन से ही कनाडा में रहते हैं। ये रहे पासपोर्ट। ड्राइविंग लाइसेंस।
ये गायत्री के बर्थ सर्टिफिकेट है। देखिए देखिए, हम नहीं जानते थे ये हमारी बेटी गहना ही है, हमारी बेटी है। बस घर नीलाम होने की वजह से दिमागी संतुलन बिगड़ गया आपका। एक मिनट, अभी पता चल जाएगा ये गहना है या नहीं, हम बताते हैं। ये जरूर गहना की हमशक्ल है और इसे देखकर गौरव पर किया हुआ मेरा वशीकरण न टूट जाए। डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट तो नकली भी बन सकते हैं। आपके पास कोई और सबूत है कि ये गहना नहीं है? गहना के हाथ में गौना लिखा हुआ था, एक बार चेक करिए, अगर हाथ में गौना लिखा होगा तो ये गहना ही है। हम कमजोर नहीं पड़ सकते। क्यों बताए हम तुम्हें? अगर ये गहना की हमशक्ल है तो फिर हाथ दिखाने से कतरा क्यों रही है? है कौन ये? तुम गहना नहीं हो। अगर हो तो तुम्हारे हाथ में गौना का जो टैटू है वो क्यों नहीं दिखा रहे? अपना हाथ क्यों पीछे खींच लिया? Who the hell are you? और तुम्हें क्या लगता है जो बोलोगी मैं वो करूंगी? हम बस पूछ रहे थे कि तुम्हारे सवालों का जवाब देकर मैं तुम्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती। एक्चुअली नहीं, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ी। क्या पता कि तुम कोई चालबाज हो या फिर कोई झूठी। बिहेव योरसेल्फ। चेक तो मुझे करना चाहिए कि तुम मेरे साथ रहने के लायक भी हो या नहीं। और याद रखना, तुम्हें सिर्फ यहां रहने की सहूलियत दी गई है, कोई अधिकार नहीं। तो ये बात याद रहे, और अगर याद ना रहे ना तो ये थप्पड़ याद रखना। ये थप्पड़ तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी वक्त आने पर। तुम हमारी गहना हो भी नहीं सकती हो, क्योंकि हमारी गहना सभ्य और संस्कारी थी, तुम्हारी तरह यूं बदतमीज और बिगड़ेल नहीं थी। अच्छा, बहुत जानते हो गहना के बारे में, आखिर ये गहना है कौन? एनीवेज मुझे नहीं जानना। तुम्हारी तारीफ? गौरव मेरा पति।
अच्छा लगता तो नहीं। आई मीन जोड़ी को जज नहीं रही है। एनीवेज बच्चे हैं? हाँ एक, बस एक, दूसरा होने वाला। कर गया काम मेरा वशीकरण। स्वीट स्वीट फैमिली। आपने बताया नहीं आप कहां से आए? कनाडा से, एक मिशन पूरा करने। मिशन? हाँ, अब बिजनेस डील मिशन से कम थोड़ी ना होता है। जब तक डील पूरी नहीं होती है, गायत्री कुछ महीनों के लिए इस नए घर में रहेगी। तुम जो भी हो, तुम्हें अपनी सी लगती हो, हमारी अपनी गहना जैसी। ओह गॉड, पापा प्लीज, अब इस लड़की से कोई नया रिश्ता मत जोड़ लीजिएगा। वो एक गहना काफी थी, अब उसके जैसे और नहीं चाहिए मुझे। वो गहना काफी नहीं थी, इसलिए ये गहना गायत्री बनकर आई है तुमसे अपने सवालों के जवाब लेने। वाह, ये कमरा बहुत ही अच्छा है, मैं यही रहूंगी। ये मेरा रूम है और ये घर मेरा है। समझ में नहीं आता तुम्हारे? तुम्हें मेरा वो थप्पड़ याद दिलाएगा कि तुम्हें मुझसे कैसे बात करनी है। दिखाना तो अब मुझे, चलो। मेरे कहा हाथ? ये क्या कर रही है आप? परफेक्ट है ये रूम, तुम यही रहोगे। तुम्हारे कहने पर इस घटिया जगह पे नहीं रहूंगी मैं, और यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।